I taught you the use of will. When we use will, tell me, when we use it when we talk about the future, okay? जब बात करते हैं भविष्य की, then we talk will. Talking will. Now, I'm going to teach you about the use of main might. Will, main slash might. There are three words you can see on the screen. The first one is will, the second one is main, and the third one is mind. The formula is doer or subject, you can say, then will main might, then action, or you can say verb. यानी कि आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है will, may or might. Will तो पढ़ा दिया गया है, may और might का प्रयोग क्या होता है बता रहे हैं आपको. देखो जब बात करते हैं श्योरिटी इन फ्यूचर, भविष्य में कोई काम पक्का होता है तो विल लगाता है. ये आपको पढ़ा दिया गया विल के लेक्चर में. जैसे कि मैं आऊंगा, बोलो मैं आऊंगा, कैसे बोलेंगे, मैं आऊंगा अगर कम, तू नहीं जाएगा, यू विल गो, यू विल नॉट गो, यानी कि यू वॉन्ट गो. विल नॉट को छोड़ो, क्या बोलते हैं, वॉन्ट. पढ़ा दिया आपको, आगे बढ़ो. नेक्स्ट मे माइट कहा था सर, पॉसिबिलिटी. यहां देखिए आप, यहां देखिए मैंने कहा पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर. अगर श्योरिटी इन फ्यूचर है, क्या है, श्योरिटी इन फ्यूचर है, पक्का है फ्यूचर में, भविष्य में पक्का है, हम लगाते हैं वल, है ना. अगर हम बात करते हैं संभावना, बड़ी संभावना, पॉसिबिलिटी, भविष्य में अगर संभावना है, अगर भविष्य में क्या है, संभावना, या प्रेजेंट में, ध्यान रख लेना, दिमाग से निकलना चाहिए, संभावना प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, संभावना पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, दोनों ही केसेस में किसका प्रयोग होता है, मे या माइट का, मे या माइट का, राइट. अगर फ्यूचर की बात हो और श्योरिटी हो, फ्यूचर की बात हो और श्योरिटी, तो विल का प्रयोग होगा. जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. अब तुमने कहा मैं खेल सकता हूँ, मेरा मूड तो नहीं हो रहा. देखो सर, मेरा मूड नहीं हो रहा यार, कुछ चीजें होती है जिसका काम का आपका मन नहीं होता. तुमने कहा यार, अगर उसके तहत तू मैच देखेगा, तुमने कहा यार मूड नहीं हो रहा मेरा, वैसे मूड ऑफ है, नंबर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं तो यार मेरा मूड नहीं है, मैं देख सकता हूँ मैच. तो ये क्या है, श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है? ये तो पॉसिबिलिटी है साहब. तो यहाँ पे हम विल नहीं लगाएंगे, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हो या पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, हम दोनों किस किस का प्रयोग करेंगे, मे या माइट का. आपको पढ़ाया गया पहले भी, जब हम किसी भी स्थान के करीब जाते हैं, कोई भी स्थान है उसके करीब जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं टू. किसी भी स्थान के करीब जाएंगे तो टू का प्रयोग होगा, ठीक है. दूर जाएंगे तो एफ आर ओ एम फ्रॉम का प्रयोग होता है. ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है ना. नाउ देखो जरा दोबारा से देते हैं. आई विल गो, मैं जाऊंगा पार्टी में, मे के लिए इन नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि पार्टी, मान लो पार्टी इस जगह पे हो रही है और हम पार्टी के करीब जा रहे हो, करीब जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है. अब मान लो काफी लेट हो गए तो आप क्या बोलोगे, यार मैं पार्टी से जाऊंगा, अब रात के 12 बज चुके, मैं पार्टी से जाऊंगा, तो पार्टी से दूर जाओगे ना, तो यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे, आई विल गो फ्रॉम पार्टी. ये आपको पहले भी पढ़ा दिया गया, दोबारा पढ़ा दिया. नाउ तो तुमने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो टू पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगा. तुमने कहा मैं पार्टी में जा सकता हूँ, मैं पार्टी में जा सकता हूँ, श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है? श्योरिटी है, पक्का है ना, ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है. तो ऐसे में आप क्या लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे, आप मे लगाएंगे. क्या लगाएंगे आप, मे. बोलो आई मे गो टू पार्टी, बोलो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, मे. बोलो आई मे गो टू पार्टी, बोलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई मे गो टू पार्टी. अगेन एक बार, आई मे गो टू पार्टी. आगे अब आपको सर माइट का बात है. देखो मैंने, देखो यहाँ पे मे और माइट दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में बंद करके यहाँ ले आया हूँ, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर प्रेजेंट. यानी कि जब संभावना फ्यूचर की और प्रेजेंट की, मे लगा दो माइट लगा दो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, जो चाहे आप लगा दो. लेकिन फर्क है थोड़ा सा, संभावना कम है तो मैं, संभावना बहुत ही कम है तो माइट, संभावना कम है तो मैं, संभावना बहुत ही कम है तो माइट. एग्जांपल देता हूं, तीन बच्चे हैं, एक गोलू है, एक शैंकी है, ठीक है, और एक है अजय. अब सोचो अभिनव, गोलू शैंकी अभिनव, आपको कौन, नाम से पता चलता है कौन पढ़ने वाला है, अभिनव पढ़ने वाला है, गोलू या शैंकी पता चला ना, अभिनव पढ़ने वाला है, स्टूडियस बच्चा है. तो जो स्टूडियस है, स्टडी माने पढ़ना, और स्टूडियस, एस टी यू डी आई ओ यू एस, लिख लो दोबारा से, एस टी यू डी आई ओ यू एस, स्टूडियस. तो स्टूडियस जो होता है पढ़ाकू, ठीक है, पढ़ाकू जो बच्चा होता है. तो अभिनव पढ़ाकू है, तो तुम उसके लिए क्या बोलोगे, वो पास होगा, बोलो यार पक्का होगा, तो अभिनव विल पास, बोलो अभिनव विल पास, ठीक है, द एग्जाम, अभिनव एग्जाम में पास हो जाएगा. अब बात करो गोलू और शैंकी हो जाएंगे, तो तुमने कहा गोलू ऐसा है कि पढ़ता बहुत कम है, लेकिन पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, काम चला लेता है, ठीक है, लटक लटक के पास हो जाता है उसने, ठीक है, एलएलपी उसकी डिग्री है, लटक लटक के पास, ठीक है. तो अब वो तुमने उसके लिए कहा गोलू पास हो सकता है, गोलू पास हो सकता है, तो ये क्या है, श्योरिटी है या संभावना, संभावना है तो
कब, वो भी फ्यूचर में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गोलू विल पास, गोलू मे पास, हम बोलेंगे यहाँ पे गोलू मे पास। आगे चलते हैं, अब देखो बात करते हैं हम शेंकी की। शेंकी तो बहुत ही नालायक बच्चा है, पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ करता नहीं है। अब तुम शेंकी की बात करो, तुम क्या बोलोगे, शेंकी पास हो तो सकता है लेकिन संभावना कम है, बहुत कम है। संभावना अगर कम है तो मे लगाएंगे, अगर संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे, ठीक है। तो बोले थे ना, मैंने कहा शेंकी पास हो सकता है तो शेंकी माइट पास, ठीक है। मानो मैंने कहा आपसे ही में कम, तो इसका मतलब उसके आने की संभावना कम है, बहुत बहुत कम है, उसके आने की संभावना कम है, ही में कम, ठीक है। मैंने कहा ही माइट कम, यानी कि उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, वो आएगा, आ सकता है, बहुत वो आ सकता है लेकिन संभावना बहुत कम है। आगे नेक्स्ट, इंडिया विल विन द मैच, ये भी ठीक है। इंडिया मे विन द मैच, ये भी ठीक है। इंडिया माइट विन द मैच, ये भी ठीक है। मान लो इंडिया को 70 बॉल्स पे कितने रन चाहिए, 30, ठीक है। 70 बॉल्स 30 रन, और इंडिया के केवल 3 विकेट फॉलन हुए हैं, 3 विकेट ही गिरे हैं, तो यहाँ पे इंडिया पक्का जीतेगी, बिल्कुल श्योरिटी है साहब, ठीक है। 3 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट इन हैंड है, 7 विकेट इन हैंड, इंडिया इंडिया नीड ओनली 30 रन आउट ऑफ 70 बॉल्स, सो इन दैट केस वी विल से इंडिया विल विन, क्योंकि हम श्योर हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने कहा अब उल्टा कर दो, तो मैंने कहा इंडिया को 30 बॉल्स पर कितने रन चाहिए, 70 रन, कितने चाहिए, 70 रन चाहिए साहब। अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, यहाँ श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, श्योरिटी थोड़ी है। 30 गेंदों पे 70 रन बना देना, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इंडिया विल विन, नो, हम ये नहीं बोलेंगे हिंदी में इंडिया जीतेगी, हम बोलेंगे इंडिया जीत सकती है, इंडिया जीत सकती है, तो इंडिया मे विन। अब या आपको लगता है कि संभावना बहुत कम, मान लो 20 गेंदों 70 रन चाहिए, तो अब यहां से तो यार बहुत मुश्किल लग रहा है, 19 गेंदों पर 18 गेंदों पर 70 रन चाहिए, 70 रन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 70 रन चाहिए 19 से 18 पे, तो हम ऐसे में हम बोलेंगे इंडिया माइट वे, क्या बोलेंगे, इंडिया माइट वे। फिलहाल मैं इतना बताऊंगा आपको कि हम माइट का प्रयोग करते हैं नॉर्मली, मैं इसको काट देता हूं, नॉर्मली हम माइट का प्रयोग करते हैं, कोई जरूरत नहीं है माइट लगाने की, हमेशा मे और विल से ही काम चलाइएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैन तो आपने लगाया नहीं, मैंने कहा इंडिया जीत सकती है तो इंडिया कैन विन होना चाहिए, होना चाहिए ना, चलो इंडिया कैन विन होना चाहिए, होगा। सकना सकता सकती सकते, सकना लिखा क्रॉस कर दिया मैंने, क्यों करा है, हम हिंदी से पहचान नहीं करते हैं, देखो जरा कैपेसिटी CAPACITY, भाई आपको कैन का लेक्चर दिया गया, उसको जाइए अपने यूट्यूब पे और देखिए कैन के लेक्चर को, उसमें मैंने बताया आपको सकता सकती सकते से ट्रांसलेशन नहीं करनी है। जब भी कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। यहां देखो पॉसिबिलिटी, सकना एक शब्द है हिंदी का, ये या तो इंग्लिश में कैन होगा अगर कैपेसिटी की बात होगी, सकना में हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी की बात होगी। मैंने कहा इंडिया मैच जीत सकती है, अगर आप ताकत के सेंस में बोल रहे हो तो इंडिया कैन विन, अगर आप संभावना के सेंस में बोल रहे हो तो इंडिया में विन, बात समझो जरा। मैंने कहा जल्दी करो, देखो एक एग्जाम्पल है, हरी अप, हरी अप, हरी माने हरी अपने तो जल्दी करना, हरी माने जल्दी, हरी अपने जल्दी करना, हरी माने जल्दी और हरी अपने जल्दी करना, तो मेक हेस्ट माने भी जल्दी करना होता है, तो हरी अप कह दो या मेक हेस्ट कह दो, दोनों ही केसेस में क्या आएगा, हिंदी होगी जल्दी करना है, जल्दी करो। तो मैंने कहा आपको ध्यान है वो दिन जब आप छोटे थे, तो जब पापा के आने का टाइम हुआ करता तो क्या करते थे आप, जल्दी करो, साथ बोल रहे पापा ऑफिस आने वाले होंगे, जल्दी करो पढ़ने बैठ जाओ और गेम को निपटा लो, ध्यान है पूरे दिन खेलो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पापा के टाइम पे आकर के तुरंत क्या कॉपी लेके बैठ जाओ, तो पापा आएंगे गुस्सा होंगे, और जैसे पापा आए चाहे कॉपी खोल करके आप चाहे उसको मोबाइल चलाते रहो, कुछ नहीं है, कुछ भी करो लेकिन पापा को कॉपी दिखाई देनी चाहिए। तो आप अपने भाई से कह लो जल्दी से गेम को खत्म कर ले, जल्दी कर, हरी अप या मेक हेस्ट, पापा आ सकते हैं। अब सोच रहा ये जो पापा आ सकते हैं ये ताकत है संभावना, जल्दी कर पापा आ सकते हैं, पापा की ताकत है ये संभावना, पापा के आने की संभावना है, तो हिंदी में तो वही वर्ड है पापा आ सकते हैं, सकना आ रहा है इसलिए पापा आ सकते हैं, लेकिन ये कैन वाला नहीं है, कैपेसिटी वाला नहीं है, ये मे वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है। आप मे लगा दो या माइट लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, पापा आ सकते हैं, पापा मे कम, यहां मे लगेगा माइट लगेगा, फिर से क्वेश्चन आता है, देखो 7 बज रहे हैं रोजाना पापा 7 बजे आ जाते हैं, तो संभावना अच्छी है या बहुत कम, ठीक ठाक संभावना है, बहुत कम संभावना, ठीक ठाक संभावना है तो माइट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मान लो बहुत कम संभावना हो पापा की, तुमने कहा जल्दी कर 5 बजे पापा आ सकते हैं, पापा तो 7 बजे आते हैं ना रोजाना, लेकिन कभी कभी 5 बजे भी आ जाते हैं, तो कभी कभी 5 बजे आते हैं, तो यहाँ पे संभावना कम है या बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। 5 बज रहे हैं, तुमने कहा 85 मेक इस, ठीक है पापा आ सकते हैं, पापा मे कम नहीं बोलेंगे, पापा माइट कम, क्योंकि आप यहाँ पे संभावना बहुत कम बता रहे हो। तो फिर से बताता हूँ, सकता शक्ति सत्य वाले वाक्य जो होते हैं, सकना वाले वाक्य जो होते हैं, हिंदी से ट्रांसलेशन करो, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये तरीका गलत है। कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, संभावना की बात करते हैं तो मे या माइट में से एक लगाते हैं, राइट। अब संभावना चाहे वो फ्यूचर की हो,
सॉरी सम्मान चाहे फ्यूचर की हो चाहे प्रेजेंट की, दोनों केसेस में मे या माइट का प्रयोग होता है और माइट की जरूरत नहीं है आपको बोलने की, नॉर्मली बहुत कम बोला जाता है माइट, आप भूल जाओ। अच्छा माइट का बोल रहा, माइट एक वर्ड है जिसकी हिंदी होती है पावर, माइट माने क्या होता है पावर, माइट मीन्स पावर या शक्ति और माइटी पावरफुल, माइट माने ताकत या पावर, माइटी माने ताकतवर या पावरफुल। अब माइटी वॉरियर, वॉर माने युद्ध, वॉरियर माने योद्धा, तो मैंने कहा माइटी वॉरियर मतलब हो जाएगा ताकतवर योद्धा। अमेरिका क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है वो बहुत ही माइटी वॉरियर है, अमेरिका इज अ माइटी वॉरियर, अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है, उससे लड़ना हर किसी देश के बस की बात नहीं है। तो माइटी पावरफुल और माइटी वॉरियर पावर या ताकतवर योद्धा। अब यहां पे माइट माने क्या था ताकत, ये रहा माइट माने ताकत, इज माने है राइट माने सही, ताकत है सही सेंस तो ये आ रहा है, लेकिन हिंदी के कहावत होती है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है जिसकी लाठी उसकी क्या कुतिया, सुना जिसकी लाठी उसकी कुतिया नहीं होता ना, जिसकी लाठी उसकी चुहिया हुआ कभी, जिसकी लाठी उसकी बंदरिया होता है कभी, जिसकी लाठी उसकी क्या ऊंटनी क्या शेरनी नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या होती है उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये हुआ जिस बंदे में ताकत होती है उसकी ही बात चलती है उसकी ही पिलती है सब उसी की मानते हैं। इसको इंग्लिश में मैं तो बोलेंगे नहीं, वन हु हैज ए ए स्टिक ए डंडा ही हैज द बफलो, वैसे बफेलो बोलते हो आप लोग तो बफेलो नहीं होता ध्यान, बफेलो नहीं बोलेंगे बफलो, क्या बोलेंगे बफलो, वन हु हैज अ स्टिक ही हैज ए बफेलो, नो ऐसे नहीं बनाना, ट्रांसलेशन नहीं करनी है, सीधा है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइट इज राइट यानी कि ताकत है सही। यह हिंदी में एक का मुहावरा होता है, दुनिया माने जोरों को कोई ना माने कमजोरों को, दुनिया माने जोरों को कोई ना माने कमजोरों को, मतलब ये हो गया दुनिया ताकतवर को ही सलाम करते हैं, सीधा है इंग्लिश में, तीन ही वर्ड है ज्यादा टेंशन नहीं, बोलो माइट इज राइट, क्या बोलेंगे माइट इज राइट, क्या बोलेंगे माइट इज राइट। तो माइट तो होता है ताकत वाला माइट, लेकिन ये जो माइट है ये वो माइट नहीं है, ये ताकत, ये तो अलग माइट है, ये ताकत वाला माइट है, ये जो माइट है ये है संभावना वाला माइट, ठीक है, जो कि मेगा भाई है, ये तो आपको दिमाग रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना, वो अलग चीज है, ये माइट अलग है, ये माइट अलग है, ये मेगा, ये टाइम्पर्ड है, और ये आपको जो माइट है ये नाउन है, क्लियर नाउन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट मे रेन, मैं बोलूं इट विल रेन, इट मे रेन और इट माइट रेन, तीनों ठीक है, मैंने कहा बारिश होगी, आपको विल के लेक्चर में पढ़ा था, मैंने कहा बारिश होगी, इट विल रेन, इट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि बारिश जो है वो लड़का तो है नहीं, ये तो नहीं लड़की तो है नहीं, इसलिए लगाएंगे, ये कोई नॉन लिविंग थिंग है, जितनी भी दुनिया की नॉन लिविंग थिंग होती है जितनी निजी वस्तु होती है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका फिर से पढ़ा है। तो बारिश होगी इट विल रेन, मैंने कहा कुछ बोलते हैं लोग रेन विल फॉल, ठीक है ऐसे भी बोल सकते हो, रेन विल फॉल, फॉल माने गिरना है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है इट विल रेन। अब मैंने कहा बारिश होगी पक्का होगी श्योरिटी है तो इट विल रेन, मैंने कहा बारिश हो सकती है, अब सोचे यार बारिश हो सकती है, ताकत है क्या बारिश हो सकती है, आपने सत्तर शक्ति में मुझे पढ़ाया था, मेरे एक मास्टर जी थे उनका नाम था पंद्रह मास्टर जी, कैसे देखते थे ऐसे देखते थे, ए लड़की तुझको बढ़ाना है करता, उनका चेहरा भी अलग होता, जो पंद्रह मास्टर जी होते ना वो जो जो हरियाणा बोर्ड यूपी बोर्ड या जब जो सरकारी में पढ़ाते उनका स्टाइल अलग होता, पेट ऐसे निकला था उनका, और ऐसे चलते हैं ए लड़के ए करता तुमको मना करा था मैंने, ठीक है यहाँ पर सत्ता शक्ति वाले देखो भाई सत्ता शक्ति वाले वाक्य में गैंग का प्रयोग होता है, तो ये उनका अलग स्टाइल है भाई, हमारा अलग सीन है, सत्ता शक्ति से मतलब नहीं है, ताकत है तो कैन लगाए, कैपेसिटी कैन लगाए, संभावना है तो मैं लगाए, तो पन्नालाल वाले पन्नालाल मास्टर जी की बात नहीं सीखनी है, उनको छोड़ो आप अभी हमसे सीख रहे हैं तो आप हमारी तरह इंग्लिश सीखिए। तो मैंने कहा बारिश हो सकती है तो ये क्या है ताकत, ताकत नहीं बारिश की ताकत है संभावना है, तो यहां सकने का सेंस जो होगा वो कैपेसिटी नहीं है वो पॉसिबिलिटी है, तो इट कैन देन गलत है, इट कैन देन इट मीन संभावना है, इट मीन संभावना बहुत कम है, इट माइट रेन वाला तो इट माइट रेन, देखो जरा क्या लिखा है इट कैन देन क्रॉस, क्या कर दिया मैंने इसको, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस है ना ये, क्रॉस मतलब गलत है, ये गलत है, इट कैन देन नहीं होगा, गलत हो गया, सीधी सी बात है इट कैन देन नहीं होगा, तो इट मे रेन संभावना है तो इट मे रेन और संभावना बहुत कम है, बहुत कम है तो इट माइट रेन, सोचो जरा सूरज निकलना चाहो तो ऐसे में क्या है बारिश हो सकती है, हाँ हो सकती है लेकिन संभावना तो बहुत कम है, इट माइट रेन और हल्की हल्की घटा है, ठीक है तो बारिश हो सकती है तो इट माइट रेन या इट मे रेन, इट मे रेन संभावना थोड़ी बढ़ गई, और चारों तरफ काला बादल है घनघोर घटा है, इट इज क्लाउडी एवरीवेयर, इन दैट केस व्हाट यू विल से, यू विल से बारिश होगी पक्का होगी, इट विल रेन, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव विल का नेगेटिव होता है विल नॉट,
मे का नेगेटिव होता है मे नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, है ना। आप बोल सकते हो आई वॉन्ट कम, क्या बोल सकते हो, देखो हिंदी में लिखा मैं वॉन्ट, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हिंदी में लिख दिया आपके लिए वॉन्ट, वापे ओ और अंक की बिंदी है वॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं अंक की बिंदी, वॉन्ट कम, आई वॉन्ट कम, ठीक है। तो वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो बोल सकते हो या ही वॉन्ट गो। आगे मैंने कहा ही वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, वह नहीं आ सकता है, ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता, ही मे नॉट कम। या इट बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश नहीं होगी, इट वॉन्ट रेन, इट वॉन्ट रेन है, इट विल नॉट रेन। अब मैंने कहा बारिश नहीं हो सकती है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन, ठीक है। बारिश नहीं हो सकती है, इट मे नॉट, और मे नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम ए वाई एन टी, मेंट लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिख दिया मेंट और प्लस अंकी बिंदी भी लगा देना, ये तो इट मेंट रेन, यानी कि बारिश नहीं हो सकती है साहब, ऐसा तो नहीं बोलते ना, बारिश हो सकती है इट मे रेन, बारिश नहीं हो सकती है नहीं, ऐसा बोलते हो, इट मेंट रेन, इट मेंट रेन और इट वॉन्ट रेन। अगर मैं इट वॉन्ट रेन बोलूंगा सेंटेंस है इट वॉन्ट रेन, तो हिंदी बनेगी ये वॉन्ट वाले सेंटेंस बनेगी, बारिश नहीं होगी, इट विल रेन बारिश होगी, इट वॉन्ट रेन बारिश नहीं होगी। अच्छा इट मे रेन बारिश हो सकती है, इट मेंट रेन बारिश नहीं हो सकती है, ऐसा बोलते नहीं हुआ। मैंने कहा इट मेंट रेन बारिश नहीं हो सकती है, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, हो सकता है कि बारिश ना हो, कभी बोलते हो बारिश नहीं हो सकती है, नहीं संभावना नहीं बोलते, आप बोलते हो सकता है कि बारिश ही ना हो, क्या पता वो आए ही ना, क्या पता कि बारिश ही ना हो, ये जो सेंटेंस है मेंट होता है, क्या होता है मे नॉट या माइट नॉट। यहां पे एक चीज देखो, मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म मेंट बना दिया गया, माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ध्यान देना, माइट टेंट कोई वर्ड नहीं होता, माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, कभी एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, किसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, एम नॉट का, कभी एमंट कोई वर्ड नहीं होता, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, आपका माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आगे तो मैंने कहा फादर मे कम, पापा आ सकते हैं, एक सेकंड है फादर, फादर यहां फादर लगा दो, फिर मेंट और कम, तो फादर फादर मेंट कम, हिंदी क्या होगी, फादर मे कम पापा आ सकते हैं, फादर मेंट कम, मेंट कम पापा नहीं आ सकते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बोलते, हिंदी में क्या होता है, हो सकता है कि पापा आए ना, हो सकता है पापा आए ना, क्या पता पापा आए ना, क्या पता, क्या पता कि वो आए ना, क्या पता कि आप स्कूल जा रहे हो, मन नहीं हो रहा, क्या करूं यार बिल्कुल मन नहीं है, रास्ते में आपने देखा ओफो क्रिकेट खेला, बहुत मन है क्रिकेट खेलने का लेकिन टाइम हो रहा स्कूल का, ठीक है, और आप गए स्कूल का, सोचा कि हो सकता है कि आज छुट्टी हो, ठीक है, आपको तो सोचा है हो सकता है कि छुट्टी ना ही हो, ये तो सेंटेंस है ना, ये मे और मे नॉट के सेंटेंस है, तो हो सकता है कि वो आए ना, तो ही मे नॉट का, ऐसा तो नहीं बोलते ना वो नहीं आ सकता है, नो, संभावना में हम सेंटेंस को हिंदी में मेन और को थोड़ा घुमा करके बोलते हैं, ओके, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बोलेंगे रवि, रवि कल यहां आएगा, रवि विल कम हियर, मैंने कहा रवि कल यहां आ सकता है, अभी ताकत है ये संभावना, अगर ताकत है तो रवि कैन कम हियर टुमारो, ताकत तो नहीं है संभावना, रवि मे कम हियर टुमारो, माइट भी लगा सकते हो, संभावना बहुत कम है, मैंने माइट को क्रॉस लगा दिया, जरूरत नहीं है बोलने की, आप अपनी स्पीकिंग में हमेशा मे और विल से काम चलाओ, माइट को छोड़ दो, नेगेटिव देख लो, विल नॉट यानी कि वॉन्ट और मे नॉट यानी कि वॉन्ट, मैंने कहा रवि नहीं आएगा, रवि वॉन्ट कम, मैंने कहा रवि नहीं आ सकता है, ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, मतलब हो सकता है कि रवि आए ना, रवि मेंट कम, क्या बोलेंगे, रवि मेंट कम या रवि मे नॉट कम। सो फिर से लास्ट में सत्ता शक्ति से ट्रांसलेशन नहीं करना है, जब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की तो हमें लगाना है मे या माइट, ठीक है, और अगर बात करते हैं कैपेसिटी की तो हमें लगाना है कैन। सो गाइस आई थिंक यू गॉट द लेक्चर, दिस वाज अ वेरी सुपर फैंटास्टिक लेक्चर फ्रॉम इंग्लिश फॉर क्लासेस।